नमस्कार दोस्तों, आज दूसरे दिन बुरी तरह फंस चुकी थी टीम इंडिया, लेकिन फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल, अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने पारी को संभाला और भारत को 450 रनों के करीब पहुंचाया। लेकिन फिर उसके बाद इंग्लैंड के ओपनर का आया तूफान और भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों को धो डाला। तो क्या रहा दूसरे दिन का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा की पारी ने भारत को कल पूरे दिन में 300 रनों के पार पहुंचा दिया था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कल 131 रन बनाए थे और वहीं जडेजा भी कल शतक बना चुके थे और उसके अलावा सरफराज खान ने भी 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी और भारतीय टीम ने पहले दिन 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जडेजा क्रीज पर नाबाद थे, लेकिन आज आते ही जडेजा भी 112 रन के स्कोर पर आउट हो गए और फिर उसके बाद कुलदीप यादव भी 4 रन पर आउट हो गए और भारत के केवल 331 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद डेब्यूटेंट ध्रुव जुरेल और अश्विन ने पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने लंच तक उसके बाद कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और भारत को 400 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन फिर उसके बाद ध्रुव जुरेल 46 रन के स्कोर पर आउट हो गए, फिर अश्विन भी 37 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अंत में जसप्रीत बुमराह ने 28 गेंदों पर 26 रनों की शानदार पारी खेली और भारत ने 445 रन 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। और वहीं इंग्लैंड की टीम की तरफ से मार्क वुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए थे और फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम पहली पारी के लिए मैदान पर उतरी। लेकिन इंग्लैंड के ओपनर बल्लेबाज बेन डगेट ने काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। बेन डगेट ने आज काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 88 गेंदों पर शतक जड़ दिया, लेकिन भारतीय टीम जैक क्रीली को 15 रन पर और ओली पोप को 39 रन पर आउट करने में कामयाब रही और इंग्लैंड की टीम 200 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी और अभी भी बेन डगेट 130 रन बनाकर खेल रहे थे और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बेन डगेट फिलहाल में क्रीज पर मौजूद थे और भारतीय टीम के पास लगभग 240 रनों की बढ़त बची हुई थी और आज का दिन खत्म होने ही वाला था और इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन 200 रन के पार भी पहुंच चुकी है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम इंग्लैंड के इस ओपनर बल्लेबाज को रोककर इंग्लैंड की टीम को 400 रनों से पहले रोक सकती है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।